HyperOS के लिए अगर आपको एक नया प्रीमियम थीम चाहिए जो कि अप्लाई करने के बाद आपका फ़ोन का लुक UI को चेंज कर सकता है, तो आपको ये थीम एक बार ट्राई करना चाहिए। अप्लाई करने के बाद शायद आपको ये थीम और ये वीडियो पसंद आ सकता है। अगर आपको थीम अच्छा लगता है और वीडियो पसंद आता है, जाओ पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को टैप करो। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये थीम अप्लाई करने के बाद आपको काफ़ी अच्छा विजेट देखना मिलता है होम स्क्रीन में, साथ ही साथ गूगल का फोल्डर में काफ़ी प्रीमियम आइकन्स देखने मिलता है। सभी आइकन्स चेंज हो जाएगा इस आइकन पैक में। होम स्क्रीन और आपका सिस्टम ऐप्स या टूल्स का फोल्डर में भी सभी आइकन्स चेंज हो जाएगा। आइकन पैक प्रीमियम है क्लासिक लुक के साथ, और अगर आपको ऐसा कुछ आइकन्स चाहिए था तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। इस आइकन पैक में आपको एक भी आइकन्स मिसिंग नहीं देखने मिलता है, और कंट्रोल सेंटर पे आपको डिफॉल्ट टॉगल्स के साथ नया कलर देखने मिलता है जो कि रेड है, वो आपको काफ़ी अच्छा लुक के साथ देखने मिल जाएगा। तो देख सकते हैं ऐसा कुछ कंट्रोल सेंटर देखने मिल जाएगा। ये थीम आपका लाइट मोड डार्क मोड दोनों को सपोर्ट करता है, बट इसका जो है सेटिंग्स का UI चेंज नहीं होता है, चाहे वो आप डार्क मोड में यूज़ करें या लाइट मोड में, वो सेटिंग्स का UI चेंज नहीं कर सकता है। तो ये मेरे को इस थीम में प्रॉब्लम लगा, बाकी इस थीम में कुछ भी कमी नहीं है। तो सेटिंग्स का UI में कहीं पे भी आपको कुछ भी चेंजेस नहीं देखने मिलेगा, जैसे कि आपका अबाउट फोन हुआ या अबाउट फोन के बाद अगर आप चाहिए इसका डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, तो उसमें भी आपको कुछ भी चेंजेस नहीं देखने मिलेगा। और अगर आप चाहिए बाकी जैसे कि इसका पासवर्ड एंड मतलब फिंगरप्रिंट फेस डाटा एंड स्क्रीन लॉक, उसमें भी आपको कुछ भी चेंजेस नहीं देखने मिलेगा, जो कि मिलना चाहिए था क्योंकि थीम सच में अच्छा है, बट सेटिंग्स के UI में ना के बराबर चेंजेस इसमें। और अगर आप चाहिए बाकी जैसे कि इसका सेटिंग्स में, तो उसमें भी आपको कुछ भी चेंजेस ना के बराबर देखने मिलता है। डायलर मैसेजेस ऐप चेंज होगा, अगर आपका डिवाइस में HyperOS या MIUI का डायलर और मैसेजेस ऐप है, वॉल्यूम स्लाइडर भी चेंज हो जाएगा, iOS इंस्पायर्ड देखने मिलता है, बट आपका कलर्स नहीं चेंज होता, बस खाली उसका साइज जो है चेंज कर दिया गया। तो अगर आपको ऐसे कुछ चाहिए था लुक UI के साथ आपका डिवाइस के लिए थीम, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं कि आपका HyperOS को सपोर्ट करता है, तो अगर आपका डिवाइस में HyperOS है तो आप ट्राई कर सकते हैं। और अब आते हैं लॉक स्क्रीन में, तो लॉक स्क्रीन में भी प्रॉपर चेंजेस के साथ देखने मिलता है, काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज करने का ऑप्शन देखने मिल जाएगा इस लॉक स्क्रीन में। और उसको आप अगर कस्टमाइज़ करना चाहते हो, बस आपको टैप करना है, डबल टैप करना है आपका नेविगेशन जेस्चर बार में, फिर आपका जो है कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। और दो आपको जो ऑप्शन देखने मिलता है विजेट स्टाइल का, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और कहाँ पे आपको प्लेस करना वो भी आपको देखने मिल जाएगा। और आप मोर सेटिंग्स में और भी आपको जो है चेंजेस करने का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये सब आपका ऑप्शन जो है कस्टमाइज़ करने का है, तो अगर आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना आपका डिवाइस का लॉक स्क्रीन, तो ये आप ऑब्वियसली थीम को ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये थीम ट्राई करना चाहिए, अच्छा थीम है और चेंजेस भी अच्छा है, बट सेटिंग्स का UI चेंज नहीं होगा, जो कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बट बाकी सभी कुछ चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको ये थीम चाहिए, जाओ थीम स्टोर में, थीम स्टोर में जाने के बाद सर्च बार में जाओ, सर्च करो IG Theme V15, जैसे आप सर्च कीजिएगा IG Theme V15 आपको ये थीम मिल जाएगा। जाओ जल्दी सर्च करो, डाउनलोड करो, अप्लाई करो, बताओ कैसा लगा आपको ये IG Theme V15। आई होप आपको थीम और ये वीडियो पसंद आया होगा। देखो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो वीडियो को, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट करो, सजेस्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।